मैं हाजिर हूँ एक बार और आपके लिए TVS Raider की वीडियो लेके। और गाइस, इसके डायरल चेंज करने के लिए आपको कोई वायर कटिंग भी, आपने टायर कर देखा था हमारी पिछली वीडियो में, तो उसके हिसाब से इस बार डिजाइन हमने चेंज कर दिया। ये वाला इंस्टॉल करने वाले हैं, कल ही लाए हो तो भी आप यहाँ पर आ सकते हो, मॉडिफाइड करा सकते हो। और ये कपलर टू कपलर सारी फिटिंग की जाएगी। जो हैंड गार्ड है वो आप देख सकते हो, ये हैंड गार्ड है फिटनेस, और इसका फोकस अभी दिन के समय में इतनी ब्राइटनेस है, इसको कैसे कवर हटा दिया और वो कैसे फिट करेंगे ये मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये सीक्रेट है। आप इसको एक बार टायर करना शुरू कर, ये लगी मेरा ऐसा लग रहा है इसकी बैटरी लो हो चुकी है। और इसको देखो, दोनों कंपेरिजन आपके सामने है। रेड कलर वाली TVS Raider है और जो है टायर अगर देखने को मिल जाता है, ये है अपनी TVS Raider 125 फुल्ली मॉडिफाइड। इसमें जो मॉडिफिकेशन की है, यूट्यूब फर्स्ट है। यहाँ को देखने मिलेगा वाइजर विद मैट कलर, यूनिक सा कस्टम रैप, हैंड गार्ड विद रैपिंग येलो, ऑल ओवर कॉन्सेप्ट ब्लैक एंड येलो, कलरफुल हेडलाइट DRL, यूनिक सा कलर, ऑटोमेटिकली चेंज, एंड इसको आप रिमोट से भी चेंज कर सकते हो। एवरीवन, आई होप डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। गाइस, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त ले आपके लिए कौन है टॉपिक, एक और नया वीडियो, नाउ वाचिंग योर माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली गाइस, मैं आपके लिए हाजिर हूँ एक और वीडियो लेके। इसके सिनेरियो हम बात करेंगे TVS पर हमने इंस्टॉल किए हैं हैंड गार्ड, काफ़ी यूजफुल मॉडिफिकेशन की है। लाइक इसमें इंस्टॉल किया है हज़ार सिस्टम, जिसमें आपको 40 पैटर्न मिल जाते हैं। उसके हेलोजन जो बल्ब आते हैं इंडिकेटर के अंदर, उसको हटा के हमने इंस्टॉल किया है इसमें LED बल्ब। और इसके अलावा और काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन है, थोड़े सिनेमेटिक आपने वीडियो में देख लिया, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और अगर इसके अलावा और वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स एंड वीडियो लाता रहता हूँ। तो फाइनली गाइस, मैं हाजिर हूँ एक बार और आपके लिए TVS Raider की वीडियो लेके। और काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि भैया इसके जो हेडलाइट का DRL है उसको चेंज करो, तो फाइनली वो दिन आ गया है कि जो मैं आपके लिए ला रहा हूँ हेडलाइट को चेंज करने की वीडियो, यानी कि पूरा हेडलाइट का चेंज करके और उसमें जो DRL कलरफुल वाले रिमोट कंट्रोल वाले वो इंस्टॉल करेंगे। और इसके अलावा इसमें इंस्टॉल करेंगे इसका टायर हगर, हैंड गार्ड और वाइज़र, और इसके इंडिकेटर के अंदर जो बल्ब आते हैं हेलोजन वाले, ये आप देख सकते हो, तो इसको हटा के डालेंगे LED वाले बल्ब। और क्या एक्सेसरीज आज ऐड करने वाले हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, साथ में इसमें की जाएगी लैमिनेशन दिखाया जाएगा। पहले मैं दिखाता हूँ आपको एक्सेसरीज़ के क्या एक्सेसरीज इसमें आज ऐड करने वाले हैं। और गाइस, इसके DRL चेंज करने के लिए आपको कोई वायर कटिंग नहीं होगी, कोई अल्ट्रेशन नहीं होगी, जस्ट प्लग एंड प्ले होगा, यानी कि कपलर टू कपलर फिटिंग की जाएगी, जिससे कि अगर आपका बाइक बिल्कुल आप जैसे कि कल ही लाए हो तो भी आप यहाँ पर आ सकते हो, मॉडिफाइड करा सकते हो। उसमें कोई आपको ये टेंशन नहीं होगी कि आपकी जो है बाइक की वारंटी कोलैप्स हो जाती है, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो इस चीज़ से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार एक्सेसरीज़, और एक्सेसरीज़ दिखाने से पहले गाइस आप देख सकते हो सारी वायरिंग इसकी, ये प्लग आप देख सकते हो, और ये कपलर टू कपलर सारी फिटिंग की जाएगी आप देख सकते हो। और इस चीज़ की आपको गारंटी भी दी जाएगी कि आपकी बाइक में कोई इशू नहीं आने वाला है। आप देख लो एक्सेसरीज़ जो हम इसमें आज ऐड करने वाले हैं। तो गाइस, जो हैंड गार्ड है वो आप देख सकते हो, ये हैंड गार्ड है, और ये आप देख सकते हो जिसमें DRL की काफ़ी ब्राइटनेस है, काफ़ी तेज़ चलते हैं ये, और बाइक पे लगने के बाद इस पर चार चांद लग जाते हैं। एक बार मैं इसको जला के दिखाता हूँ आपको, और फिर इंस्टॉल करने के बाद फाइनल भी एक बार मैं दिखाऊंगा क्योंकि बाइक पे लगने के बाद कैसा लुक करते हैं। और गाइस, ये वाइट नहीं है, ये ओनली येलो है। ये देखो इसका ब्राइटनेस और इसका फोकस, अभी दिन के समय में इतनी ब्राइटनेस है, अदरवाइज़ अगर रात के समय आप इसको जलाओगे तो कितना ज़्यादा। ये देखो गाइस, ये देखो गाइस। तो पहले इसको कर लेते हैं फिट, और इसके अलावा और क्या सामान है वो भी एक बार आपको दिखाता हूँ। और साथ ही में गाइस, इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं सिमटेक का हज़ार, जिसमें आपको 1 ईयर की 1 साल की गारंटी मिल जाती है। और इसके अंदर आपको साथ ही मिल जाते हैं LED बल्ब, ये आप देख सकते हो, सिमटेक का हज़ार लगाएंगे जिसमें आपको 40 से 50 पैटर्न मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके के डिज़ाइन चलेंगे। और जो हेलोजन बल्ब आते हैं इंडिकेटर के अंदर, उसको हटा के ये LED बल्ब इंस्टॉल करेंगे, ये आप देख सकते हो उसमें कितनी सारी LED हैं, इस साइड से भी हैं, इस साइड से भी हैं और ऊपर भी हैं। और इसकी फोकस और ब्राइटनेस कितनी होगी ये मैं आगे आपको वीडियो में दिखाई दूंगा। और इसके अलावा भी दिखाता हूँ मैं आपको और क्या चीज़ इसमें ऐड करने वाले हैं। और गाइस, आप देख सकते हो जो हेडलाइट के अंदर DRL इंस्टॉल किया जाएगा रिमोट वाला, तो उसका हेडलाइट को खोलने का प्रोसेस ऑलमोस्ट डन हो चुका है, ये आप देख सकते हो, इसको खोल दिया। ये इसका कवर है ऊपर का, जो कि आपको कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हो इसका कवर हटा दिया। और अब इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे DRL, और वो कैसे फिट करेंगे ये मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये सीक्रेट है और ये नहीं दिखा सकते, बाकी फाइनल पे दिखाऊंगा। और जब आप यहाँ पर आओगे तो खुद देख सकते हो कैसे कर रहे हैं। इसको बैठाओ भाई, ये देखो अभी इसकी लीवर, किडनी, गुर्दे सब बाहर निकाल रहे हैं, और उसके बाद दिखाएंगे फाइनल पे। और इसके अलावा देख लेते हैं और क्या चीज़ें इंस्टॉल करने वाले हैं। वाइज़र आप देख सकते हो बहुत सारे हैं, ये सारे डिज़ाइन हैं। एक डिज़ाइन ये वाला है मेरे हाथ में, आप देख सकते हो, एक वाइज़र ये वाला है गाइस, ये देख सकते हो, एक है इसको छोटा वाइज़र लगाना है, इनको बड़ा वाइज़र नहीं पसंद है तो इस तरीके के ऑप्शन पर जा सकते हैं। एक वाइज़र ये वाला है गाइस, इसी को इंस्टॉल करने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इंस्टॉल होने के बाद, तो इसको करेंगे इंस्टॉल। और गाइस हैंड गार्ड आप देख सकते हो बहुत सारे डिज़ाइन आपको ऑलरेडी यहाँ पर मिल जाएंगे। गाइस, जो बाइक है वो येलो और ब्लैक है, तो हैंड गार्ड को ना हम क्या करेंगे कि ब्लैक तो है ही, तो ये चीज़ है या यहाँ पर इसको करेंगे येलो, जिससे कि बाइक का कॉम्बिनेशन मैच हो जाए और ओवर ना लगे, ऐसा लगे कि इसका हिस्सा है।
और गाइस जो टायर हैगर है वो एक ये वाला है, आपने काफ़ी वीडियो में देखा होगा, बट ये वाला नहीं करेंगे, दूसरा वाला देखते हैं कोई ऑप्शन होता तो वो इंस्टॉल करेंगे वाला टायर हैगर। गाइस इसमें इंस्टॉलेशन का काम हो चुका है शुरू, हेड हेड का काम आपको पता चल ही रहा था। अब इसमें टायर हैगर इंस्टॉल किया जाएगा, या विस्तृत वाला टायर हैगर इंस्टॉल कर रहा है, मैंने आपको दिखाया था वीडियो के शुरू में। तो इसको इंस्टॉल करने से पहले पूरी फिटिंग इंस्टॉल करनी पड़ती है, ये आप देख सकते हो इस जगह पर। और इसमें काफ़ी सारी एडजस्टमेंट होता है, आप जितनी दूर चाहो उतनी दूर, जितनी पास चाहो उतने पास कर सकते हो इसको टायर हैगर को, तो ये उस केस में भी काफ़ी कारगर है। तो पहले सारी मॉडिफिकेशन कर लेता हूँ फिट, और इस वीडियो को देखो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. तो बस आगे की साइड पर जो एलईडी बल्ब थे इंस्टॉल करे जा रहे हैं, ये आप देख सकते हो ये वाले, और पीछे की साइड पे अभी नॉर्मल ही है। और नॉर्मल का देख लो अभी कितनी ब्राइटनेस है क्या है, ताकि आपको आइडिया हो सके, कंपैरिजन हो सके। देखो ये हैलोजन है, और आप दिखाता हूँ आपको एलईडी का कि इस वाले बल्ब की कितनी ब्राइटनेस होती है। अब इसका हैलोजन निकाल के और इसमें इंस्टॉल करेंगे एलईडी वाला बल्ब, और इसको निकालने के लिए कोई अल्ट्रेशन नहीं होती है, बस आपको हैलोजन बल्ब निकालना है जैसे नॉर्मली घर का बल्ब निकालते हो आप। ये देखो ये बल्ब है, इसका हैलोजन जो आता है, और एलईडी मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये देखो इंस्टॉल कर रहे हैं इसमें, और ये कर दिया, बस इतनी देर का काम है। अब आपको दिखाते हैं इसको ऑन करके। देखो गाइस इसकी ब्राइटनेस देखो, और इसकी देखो, ये लगी नहीं, ऐसा लग रहा है इसकी बैटरी लो हो चुकी है। और इसको देखो, दोनों कंपेरिजन आपके सामने है, एलईडी वाला और हैलोजन वाला, यानी कंपनी वाला और आफ्टर मार्केट, दोनों देख सकते हो ब्राइटनेस। क्योंकि जो सिमटेक का हज़ार इसमें लगा हुआ है ना, वो तभी वर्क करेगा जब आप इस तरीके के बल्ब इंस्टॉल कराते हो। इसकी ब्राइटनेस भी ज़्यादा है, आपको पता है आजकल फोक का टाइम है, तो कोहरे में ना इसका तो पता नहीं चलता बिल्कुल भी। ये है इले, तो ये देख सकते हो आप, दोनों हैलोजन बल्ब निकाल दिए और एलईडी बल्ब कर दिया है इसमें इंस्टॉल। फोकस आप जैसे, तो अभी दिन का समय है फिर भी इतनी ब्राइटनेस और इतना फोकस है, और रात के समय में क्या होगा ये आप खुद सोच सकते हो। तो पहले इसी तरीके से सारी चीज़ें फाइनल कर लेते हैं, और आप दिखाएंगे आपको बिल्कुल फाइनल पे। तो गाइस हैंड गार्ड इंस्टॉल कर दिया है, आप देख सकते हो। अब इसमें वाइजर इंस्टॉल किया जा रहा है, जो वाइजर मैंने आपको दिखाया था वो नहीं है, ये कुछ दूसरे तरीके का वाइजर इंस्टॉल कर रहे हैं, ये आप देख सकते हो। इसकी प्रोसेसिंग चालू है, हेडलाइट डीआरएल इंस्टॉल हो चुका है, गाइस वाइजर फिट हो रहा है आप देख सकते हो। और इस हैंड गार्ड पर जो मैंने बताया था येलो कलर की ग्राफिक करेंगे, येलो कलर की टेपिंग, क्योंकि ये येलो और ये येलो तभी मैच हो पाएगा, और उसके बाद ऐसा लगेगा नहीं कि ये फालतू है, ऐसा लगेगा ये कंपनी फिटेड है। क्योंकि मॉडिफिकेशन करने के साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कोई चीज़ ओवर ना लगे। I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity. अपनी bikes को किसी भी तरीके से modified कराना चाहते हो, ये same काम जो अभी आपने देखा ये कराना चाहते हो, तो आप आ सकते हो। अगर दिल्ली के रहने वाले हो तो करोल बाग नए वाला मार्केट में आप आ सकते हो एसकेडी बाइक वर्ल्ड पर। बाकी मैंने सारी डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में देखा है, चेकआउट कर लेना। तो मॉडिफिकेशन हो चुकी है कंप्लीट गाइस, आप देख सकते हो हमारे सामने खड़ी है टीवीएस रेडर,
यूनिक सी लुक के साथ, और इसको जो मॉडिफाइड किया है अभी तक इस तरीके की मॉडिफाइड किसी ने नहीं किया है। ये छोटी छोटी मॉडिफिकेशन है बट काफ़ी यूनिक सी हैं और काफ़ी रेयर हैं। आप इसका कुछ भी देख सकते हो, एवरीथिंग बिल्कुल यूनिक है, सब कुछ इसमें डिफरेंट स्टाइल में इंस्टॉल किया है। जो आपने देखे थे ब्लैक कलर के हैंड गार्ड, ये आप देख सकते हो, और अब ये बिल्कुल मैच हो गया है येलो कलर से, ये आप देख सकते हो, क्योंकि ब्लैक कलर के हैंड गार्ड इंस्टॉल करने के बाद इसमें ना रेडियम कर दिया, ये देखो, और ये रात के समय में हल्का सा रिफ्लेक्ट करता है, अगर आप देख सकते हो, ये देखो, और ये फुल्ली वाटरप्रूफ है। अब ये लग नहीं रहा कि ये बाहर से काम कराएगा, देखो इसमें ब्लैक और येलो का जो कॉम्बिनेशन है वो इसी हिसाब से लिया गया है। देखो ये ब्लैक येलो, ये ब्लैक और ये येलो, ये दोनों साइड में आपको बिल्कुल यूनिक सा लुक मिल जाता है। और इस तरीके के जो काम है, आप अपने पास आपके पास रेड हो या आपके पास ब्लैक हो तो उस पर भी आप करा सकते हो, किसी भी कलर का आपका रेडर हो उस पर आप करा सकते हो। और ये वाइज़र अगर आपने देखा होगा, जो अपने पिछली वीडियो हमारी आपने देखा वो क्या था, वो थोड़ा लॉन्ग था, ठीक है, इसमें क्या है, ये फैला हुआ है, काफ़ी चौड़ा सा है, और इसके अंदर पहले आपने जो देखा था वो नॉर्मल था, इस पर क्या है, पहले मैट ब्लैक रैपिंग और उसके बाद यहाँ पर आपको बॉर्डर देखने को मिल जाता है येलो का, ये आप देख सकते हो, जो कि ये भी एक मैच है ब्लैक और येलो का, क्योंकि कॉन्सेप्ट लिया गया। और इस वाइज़र में सबसे खूबी बड़ी बात यह है कि ये जो आर का सिंबल है, ये देखो, ये एक 3D इफेक्ट के साथ आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि लुक यूनिक सा है। और जो वाला वाइज़र था वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आता था, जिसकी वजह से आपका ये आर का जो सिंबल है ये मिट जाता है, और इसमें एक बिल्कुल यूनिक सा लुक आता है, या तो भी दिन के समय में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और ये ऐसा लगता है कि जैसे कंपनी फिट चीज़ है। ये देखो, ये तो हो गई चीज़, और साथ ही में ग्राफिक यहाँ पर भी कर रखे हैं रेडर के, ये देखो बिल्कुल यूनिक से, ये भी 3D है और ये रात के समय में रिफ्लेक्ट करते हैं, अगर इस पर लाइट पड़ती है तो, ये इस साइड से भी है और यही सेम आपको इस साइड से भी देखने को मिल जाएगा, ये काफ़ी यूनिक सा है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपका किसी और कलर का भी है तो उस पर भी आप ये सेम काम करा सकते हो। गाइस टायर हैगर, ये देखो, जो आपने टायर हैगर भी हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा वो सिंगल साइड का था, इसमें 4 स्टेप है, 1, 2 और 2 उस तरफ, यानी कि 4, ये देखो, 2 इस तरफ फिटिंग इस तरफ से मिल जाती हैं आपको, और 2 फिटिंग आपको इस तरफ से मिल जाती हैं, और ये यूनिवर्सल है, किसी बाइक में आप लगा सकते हो। और इसकी फिटिंग प्रॉपर आप देख सकते हो, क्लैंप के साथ इसको इंस्टॉल कर दिया गया है, और आप इसको ऊपर नीचे जिस एंगल पे चाहो सेट कर सकते हो। ये हो गया, लेमिनेशन भी आप देख सकते हो गाइस प्रॉपर तरीके से डन हो चुकी है, बट लेमिनेशन इसमें देख के पता चलेगा नहीं कि इसमें लेमिनेशन की भी गई है या फिर नहीं की गई है। फुल टैंक मड गार्ड, और इस तरफ से भी इसको लेमिनेट किया गया है गाइस, ठीक है। तो अब गाइस मैं आपको दिखाता हूँ जिसका आपको इंतज़ार था, इसका मैं करता हूँ इग्निशन ऑन। ये है राजू भाई, जो कि अब जब भी शॉप पर आओगे आपको ये मिलेंगे, और ये हैं इस बाइक के ओनर, जिन्होंने ये सब काम करवाया है, और आई होप इनको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया ना आपको, तो एक बार इसको ऑन करो और फिर दिखाओ फाइनल लुक। ये देखो गाइस, तो जैसे आप इग्निशन ऑन करते हो तो उसमें काफ़ी सारे कलर आपको देखने को मिल जाते हैं जो ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं, ये देखो। और इसमें सिमटेक का हज़ार डला हुआ है, जिसमें आपको 50 से 40 पैटर्न मिल जाते हैं, और LED बल्ब मैंने आपको शुरू में दिखाए थे, इसकी ब्राइटनेस आप देख सकते हो, पैटर्न बहुत सारे हैं, और हैंड गार्ड के अंदर भी देखो कितनी ब्राइटनेस है। अब रात के समय में फुल्ली नोटिसेबल बन चुकी है बाइक, अगर आप सिटीज़ में या हाईवे वगैरह पे निकलते हो तो कोई इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ये चीज़ जो है ये अभी तक किसी ने यूट्यूब पर नहीं किया, ये फर्स्ट एकदम। अब इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपका कि इसमें फीचर्स क्या क्या हैं और आप कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हो। देखो ये इसका रिमोट दिखाओ पहले राजू भाई, ये इसका रिमोट है, और आप इसके पैटर्न चेंज करेंगे और इसमें वो ताली वाला और सिटी वाला मोड भी ऑन कर दो। पहले नॉर्मल इसका कलर कौन कौन से है इसमें देखो, आपके पास जिस कलर का भी रेडर है या ये चीज़ किस तरीके के काम आप किसी बाइक में करा सकते हो, बट आज बात करेंगे देखो इसकी। ये देखो अभी कैमरे में और रियल में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, ये देखो कितना बेहतरीन सा है, ये देखो ये पर्पल हो गया, ब्लू हो गया, ये देखो ऑरेंज, पीला, यानी जिस कलर का आपका रेडर उस कलर पर भी आप सेट कर दो, तो ये भी एक बिल्कुल यूनिक सी चीज़ है। एक बार वाला मोड लगाना है इसमें, लगा दिया, करना ज़रा चेंज करना, ये देखो। अब अगर इसके सामने अगर आप बिल्कुल भी कोई हरकत करते हो या सीटी मारते हो ताली जाते हो ना, तो ये अपने जो पैटर्न चेंज कर देती है, ये देखो ये लाइव देखो, तो ये भी काफ़ी यूनिक सा है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे इसमें फीचर्स और भी हैं सब, तो इसको आप रिमोट को हल्के हल्के आप खुद ही यूज़ करना सीख जाओगे, क्योंकि काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन होते हैं, तो जिस तरीके से आप चाहो उस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें एक ऑप्शन ऐसा भी है कि अगर आप कोई कलर छोड़ दो, ये देखो ये इसमें ऐसा मोड है कि ये हल्के ऑटोमेटिकली कलर चेंज कर देगा। ये देखो अभी ब्लू था और अब ये ब्लू से किसी और कलर में, देखो ये पर्पल हो गया और पर्पल से अब ये देखो येलो में आ गया, ये देखो कुछ इस तरीके से ना इसमें कलर चेंज होते रहते हैं। तो ये बिल्कुल यूनिक था और काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि भैया इस तरीके की वीडियो लाओ, तो मैं लोगों तो गाइस मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ। और रिमोट को यूज़ करने के लिए आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगर आप कोई चाहते हो कि पर्टिकुलर को एक ही कलर सेट कर दो तो एक सेट रहना, तो अदरवाइज जब आप इसका इग्निशन ऑन करते हो
तो ये ऑटोमेटिकली सारे कलर चेंज कर देता है। और आपको पता आजकल फोक का समय है, तो फोक के समय में ये बिल्कुल ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट हो जाता है और ये दूर से ही प्रेजेंटेबल वाली बाइक बन जाती है। और इस तरीके के काम आप किसी भी बाइक में करा सकते हो जिसमें DRL हो, और अदरवाइज आपने एंटोक में, वर्कमैन में, बाकी सब बाइकों, बाकी सारी स्कूटी में आपने देख ही चुके हो, और ये TVS Raider पे था। और गाइस ये हैंड गार्ड भी आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइन आते हैं, बट ये जो है बिल्कुल परफेक्ट मैच है। अगर आपके पास किसी और कलर का रेडर है तो आप यहाँ पर आ सकते हो, सेम बना दिया जाएगा जिस हिसाब से आप चाहते हो। तो ये था आज का वीडियो जो मैंने आपको दिखाया, और ये देखो ये दोबारा दिखा रहा हूँ, ये बॉर्डर है ना यूनिक कॉन्सेप्ट। तो ये थी गाइस TVS Raider 125। आई होप आपको ये सारी मॉडिफिकेशन अच्छी लगी, कुछ रहेगा तो कमेंट करके पूछ लेना गाइस। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएंगी, तो चेकआउट कर लेना गाइस। हमारे दो चैनल हैं, एक SKD बाइक वर्ल्ड और एक इंडियन थ्रोटल। और गाइस लास्ट में दिखाऊंगा मैं आपको, यहाँ पर आप देखोगे आपको रेडियम देखने को मिलेगी येलो कलर की, जो कि रात के समय रिफ्लेक्ट करती है उस साइड से, और इस साइड से आप देख सकते हो, क्योंकि जिस तरीके से ये लिया गया ना कॉन्सेप्ट रेडर का, जिस तरीके से रेडर का कॉन्सेप्ट लिया गया उसी तरीके से यहाँ पर रिंग बना दिया गया है रेडियम में, आप देख सकते हो। अभी मैंने आपको दिखाया था रेड वाली में, अगले वाले टायर में और पिछले टायर में दोनों में सेम लिया गया, ये आप देख सकते हो, बिल्कुल यूनिक सा कॉन्सेप्ट है। ये देखो दूर से काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है और ओवर लगता है, ऐसा लगता है कि इसका ये कंपनी फिटेड है, और ये आप किसी भी कलर के आपके पास रेडर हो उस पर आप करा सकते हो गाइस। गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं लेता हूँ आपसे विदा, मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत।